मायसेल्फ प्रोफेसर राजेश भूरे, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स। कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स विच हैव डायरेक्ट एक्शन ऑन हार्ट और अदर पार्ट्स ऑफ वास्कुलर सिस्टम सो दैट दे मॉडिफाई द टोटल आउटपुट टू द हार्ट और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड टू सर्टन पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस ड्रग्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस कार्डियक डिसीजेज लाइक हाइपरटेंशन, अंजाइना पेक्टोरिस, अरेदमिया, CHF, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एक्सेट्रा। क्लासिफिकेशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रग्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी लाइक कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जिसे हम डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड भी कहते हैं, और यही पॉजिटिव कार्डियक इनोट्रोपिक एजेंट्स हैं, और इसे ही कार्डियोटॉनिक्स भी संबोधते हैं। कार्डियोटॉनिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं द ड्रग्स विच इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर कॉल्ड कार्डियोटॉनिक्स। इस तरह दे इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोकार्डियम। एग्जाम्पल, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ऑब्टेन फ्रॉम डिजिटलिस एंड स्ट्रोफेंथस स्क्विल सच एज डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, लैनेटोसाइट सी एक्सेट्रा। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स दैट इज डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स शुगर, जिसे ग्लाइकॉन पार्ट कहते हैं, एंड नॉन शुगर जिसे अग्लाइकॉन पार्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ग्लाइकोसाइड जो अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स शुगर और ग्लाइकॉन पार्ट, डिजिटॉक्सोज और नॉन शुगर और अग्लाइकॉन पार्ट डिजॉक्सोजिनिन। सेकंड, डिजिटॉक्सिन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स शुगर और ग्लाइकॉन पार्ट डिजिटॉक्सोज प्लस डिजिटॉक्सिजिनिन। नेक्स्ट थर्ड वन, जिटॉक्सिन विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स डिजिटॉक्सोज प्लस जिटॉक्सिजिनिन। फोर्थ, ऑबेन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एल रामनोज प्लस ऑबेजेनिन। इस तरह कार्डियोटॉनिक्स के एग्जांपल्स है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ऑब्टेन फ्रॉम डिजिटलिस, स्ट्रोपेंथस क्विल सच एज डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, लैनेटोसाइट्स सी एक्सेट्रा। सेकंड क्लासिफिकेशन, एंटी अरिथमिक ड्रग्स। एंटी अरिथमिक ड्रग्स यूज टू रेगुलेट अरिथमिक दैट इज इरेगुलर बीटिंग ऑफ द हार्ट। क्लासिफिकेशन, ए मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट्स विच ब्लॉक फास्ट इनवर्ड करंट ऑफ सोडियम आयन्स इनटू कार्डियक सेल्स। दे आल्सो हैव लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी, एग्जांपल क्विनिडाइन, प्रोपेनामाइड, डाइसोपैरामाइड एंड लास्ट फेनाइटोइन एक्सेट्रा। बी ड्रग कॉजिंग बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकेज, एग्जाम्पल प्रोपेनलॉल एंड अदर्स। सी ड्रग दैट प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, एग्जाम्पल अम्योडारोन। डी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एग्जाम्पल वेरापामिल। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, एंटी अंजाइनल एजेंट्स। एंटी अंजाइनल एजेंट्स विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अंजाइना पेक्टोरिस एनेबलिंग द हार्ट टू मीट इट्स मेटाबॉलिक डिमांड्स फॉर ऑक्सीजन। क्लासिफिकेशन, ए ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, एग्जाम्पल अमाइल नाइट्रेट, आइसोसॉर्बिड नाइट्रेट,
बी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एग्जाम्पल वेरापामिल। सी बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर्स, एग्जाम्पल प्रोप्रेनालॉल। फोर्थ क्लासिफिकेशन एंटी हाइपरटेंसिव्स, द ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन आर कॉल्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। क्लासिफिकेशन ड्रग्स एक्टिंग सेंट्रली, एग्जाम्पल अल्फा मेथिलडोपा, क्लोनिडाइन। सेकंड गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, एग्जाम्पल हेक्सामेथोनियम क्लोराइड, मेकालामाइन। थर्ड ड्रग्स एक्टिंग ऑन पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपेथेटिक नर्व एंडिंग्स विच आर क्लासिफाइड अगेन इन टू टू पार्ट्स, ए एडेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स, एग्जाम्पल गॉनेथिडाइन, एंड बी कैटेगोलामाइन डिप्लेटर्स, एग्जाम्पल रिजरपाइन। फोर्थ क्लासिफिकेशन एडेनर्जिक ब्लॉकर्स, उसके भी तीन पार्ट पड़ते, ए अल्फा ब्लॉकर्स, एग्जाम्पल प्राजोकेन, फेंटोलामाइन, फिनोक्सीबेंजामाइन। बी बीटा ब्लॉकर्स, प्रोप्रेनालॉल, नेक्स्ट अटेनालॉल, नेक्स्ट मेटाप्रोलॉल, नेक्स्ट टीमोलॉल। सी अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स, एग्जाम्पल लैबेटोलॉल। फिफ्थ क्लासिफिकेशन वास्कुलर स्मूथ मसल डायलेटर्स, एग्जाम्पल सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, नेक्स्ट हाइड्रलाजाइन। सिक्स क्लासिफिकेशन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एग्जाम्पल वेरापामिल, नेक्स्ट नापेडिपाइन, नेक्स्ट डाइल्टियाजेम, नेक्स्ट अम्लोडेपाइन एक्सेट्रा। नेक्स्ट एसीई इनिबिटर्स, जिसका लॉन्ग फॉर्म है एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स, एग्जाम्पल कैप्टोप्रिल, नेक्स्ट इनालाप्रिल, नेक्स्ट लिजोनप्रिल एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन एट डायबिटिक्स, एग्जाम्पल क्लोरथाइजाइड्स, नेक्स्ट फेरेसमाइड एक्सेट्रा। और लास्ट क्लासिफिकेशन वैसोडायलेटर्स, एग्जाम्पल इथेल नाइट्रेट, नेक्स्ट ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट। तो ऐसे वीडियोस बार बार सुनना और देखना जरूरी है, तो ही हमें यह पार्ट याद रहेगा और आप एज इट इज लिख पाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे महत्वपूर्ण नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।